मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज इन लास्ट क्लास वी स्टार्टेड द चैप्टर मोशन एंड टाइम. फर्स्टली रजे वी डिफाइन मोशन. व्हाट इज मोशन? मूवमेंट और यू कैन से चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी कॉल इट मोशन. आफ्टर दैट वी डिस्कस टाइप्स ऑफ मोशन, या यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और पीरियडिक मोशन, सर्कुलर मोशन. वी डिस्कस ऑल ऑफ दीज टाइप्स. ओके रजे, आफ्टर दैट वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, लाइक यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पीरियडिक मोशन, सर्कुलर मोशन. स्पीड इज ऑल्सो कवर्ड, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द स्पीड, द टाइम, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई द टाइम टेकन. नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मीनिंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मीनिंग स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट, मीनिंग स्पीड changing, speed of any object keeps on changing, we call that non-uniform motion. Okay, Rajay, measurement of time is also covered in last class. Simple pendulum, we already covered it, okay? Oscillation also, Rajay. Now, firstly, units of time and second, unit meaning, because unit किसी भी चीज़ के कितने important होते हैं, अगर हम बात करें तो इतने important होते हैं. अगर मान लो कोई मेरे से पूछे कि आप कितनी स्पीड पे आ रहे हो, मैं कहता हूँ 50 स्पीड पे, मेरी 50 का क्या मीनिंग? कोई समझ पाएगा कि मैं 50 की स्पीड पे घर से आ रही हूँ? नहीं ना. तो 50 क्या, 50 किलोमीटर पर आर, 50 मीटर पर सेकंड, क्या मीनिंग 50 के साथ? कुछ ना कुछ तो अटैच. ऐसे तो 50 के साथ मैं किलोग्राम लगा दूंगी तो क्या वो स्पीड हो जाएगा? तो यूनिट्स होते हैं जो किसी भी चीज़ के, वो क्या है, बहुत नेसेसरी होते हैं बताने के लिए, क्लियर करने के लिए. तो अगर हम बेसिक यूनिट टाइम, बेसिक मीनिंग होता रहता है जो सबसे स्मॉल यूनिट है, तो टाइम के बेसिक यूनिट की बात करूँ डेट इज सेकेंड. अगर मैं लार्ज यूनिट की बात करूँ तो क्या है, मिनट हमारे पास और आवर, दोनों क्या है, तीनों टाइम के यूनिट है, सेकेंड्स भी, मिनट भी और आवर. फिर से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो स्पीड है उसके बेसिक यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड. स्मॉल यूनिट्स मीनिंग स्मॉल टाइम का क्या होता है, मीटर. देखिए स्पीड की यूनिट कैसे कवर की है मेरे, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम. डिस्टेंस को किसमें मेजर करेंगे, सेकंड्स में, किलोमीटर्स में. टाइम को किसमें करेंगे, सेकंड्स में एंड आवर. तो जो बेसिक यूनिट हो गया स्पीड का, वो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड. और जो हमारे पास लार्जर यूनिट हो गया, वो क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर. ओके रजे, नो इन एनएसटी टाइम मीनिंग, जो हमारे पहले जो हमारे बुजुर्गो का टाइम था, उस टाइम क्या होता था रजे, जो टाइम मेजरिंग डिवाइस के लिए ना तो मोबाइल थे, ना तो क्लॉक थे, ना तो वॉच, तब क्या है, कुछ क्या है, सन क्लॉक यूज, हैंड क्लॉक यूज किए जाते थे टाइम मेजर करने के लिए. कुछ क्या है हमारे पास, क्या है मतलब, जो सन डायल थे वो यूज किए जाते थे, वाटर क्लॉक यूज किए जाते थे टाइम को मेजर करने के लिए. मतलब बहुत सारे पुराने प्रीवियस डिवाइस थे, जो वो क्या है, इस फोटो में हमने आपको दिखाए हैं. फर्स्टली आई वॉन्ट टू क्लियर दैट इज सन डायल. सन डायल मीनिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस सन डायल हेल्प टू कैलकुलेट द टाइम. ओके, मीनिंग द मूवमेंट ऑफ दिस सन डायल विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ सन इज हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम. ओके, और यू कैन से ओन आइडिया ऑफ द टाइम. दिस इज सैंड क्लॉक, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन टेलिंग द टाइम. ओके, सो इन ओल्ड टाइम दीज डिवाइसेज आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम. ओके, नेक्स्ट रजे, how to measure speed, or you can say measurement of a speed. This is the speed of an object can be measured if we know the distance. Formula kya tha, distance traveled by any body divided by the time taken. Okay, to jitna bhi sabse pehle hame pata kya hona chahiye, the distance covered, kitna distance cover kiya and the time taken. Us distance ko cover karne ke liye how much time as the object taken. ओके, सो वी कैन मेजर द स्पीड इजली. ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ. इफ अ कार कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, सपोज एक गाड़ी ने क्या है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया इन 2 आवर्स. जैसे 100 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस, 2 आवर्स क्या है टाइम टेकन, देन द स्पीड ऑफ कार. स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस बाय टाइम, मीनिंग 100/2, 50 किलोमीटर पर आवर बताया था ना. किलोमीटर पर आवर कैसे आया, किलोमीटर किसके यूनिट से, डिस्टेंस के, और टू किसके यूनिट से, टाइम के, डेट इज आवर. ओके, किलोमीटर पर आवर.
ओके नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ यू नो द स्पीड ऑफ द कार एंड द टाइम वी कैन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द, उसी उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या हमने रोटेट कर दिया, सपोज हमारे पास स्पीड और टाइम है तो वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। इधर क्या था टाइम, इधर अगर इधर डिवाइड था ना, इधर अगर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मैथ में आप करते हो ना, तो स्पीड के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू डिस्टेंस, तो 50 × 2 = 100 किलोमीटर, सेम आंसर आया ना, डिस्टेंस का जितना ऊपर दिया हुआ था। सो रजे वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड करके हम क्या टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 / 50 = 2 आंसर की, मीनिंग वी कैन कैलकुलेट स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम सेम फॉर्मूला, उसे थोड़ा सा क्या रोटेट किया, इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो गया डिवाइड हो गया, सो दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशन। ठीक है, सो इट इज क्लियर हाउ वी कैन मेजर और वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल दे दूं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज द डिवाइस यूज टू मेजर स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या है, हम कौन कौन से डिवाइस यूज कर सकते हैं, ये कौन कौन से डिवाइस यूज करते हैं, फर्स्ट इज रहे स्पीडोमीटर, द सेकंड वन इज ओडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर अपने हमें बता रहा है स्पीडो मीनिंग स्पीड, सो स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। जो आप लोगों ने गाड़ी देखी है ना, तो उसमें क्या होता है स्पीडोमीटर लगा होता है ना, सो स्पीडोमीटर हेल्प, यू कैन से स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द स्पीड, ठीक है, लेकिन कौन से यूनिट्स में करेगा, किलोमीटर पर आवर। नाउ व्हाट इज ऑडोमीटर, ऑडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल। ऑडोमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी व्हीकल से जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे क्या है मेजर करता है। ठीक है, दिस इज पिक ऑफ स्पीडोमीटर एंड दिस इज स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर, वो थे स्पीडोमीटर फॉर मेजरिंग स्पीड, ओडोमीटर फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टेंस कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, नो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मीनिंग, फर्स्टली इन मैथ्स आप बहुत जो टाइप्स के ग्राफ करते हो, एक आपके पास ऐसे सर्कल में होता है, ओके वी कॉल इट पाई चार्ट, मैथ में आप करते हो ना, इसे हम क्या बोलते हैं पाई चार्ट। कुछ ग्राफ आप इस तरह के करते हो जिस पे ऐसे बार बनी होती है, इसे क्या बोलते हैं बार ग्राफ, मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्राफ आप करते हो, और जो ये वाला ग्राफ आपको प्लॉट किया हुआ दिख रहा है ना, डैट इज लाइन ग्राफ, इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन लगी हुई है ना, तो इसे वी कॉल इट लाइन ग्राफ। फर्स्टली क्लियर है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है डेट इज लाइन ग्राफ। ओके, नाउ कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एंड द टाइम टेकन, तो ना टेबल हमें क्या है, एक गाड़ी के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, वो क्या एक टेबल में दे दिया। अब वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ, अब हमें क्या है ग्राफ प्लॉट करना है, उसके आया जो डाटा हमें दिया हुआ है टेबल में उस डाटे के अकॉर्डिंग। ओके, फर्स्टली रजे फर्स्ट पॉइंट में क्या है, मैं जीरो, टाइम क्या है जीरो, डिस्टेंस क्या है जीरो, तो इधर जीरो रजे, देखो पहली बार तो ग्राफ सभी ने देखा है ना अपने मैथ में, उसके पॉइंट्स होते हैं ना, तो हमने क्या है वहाँ पे 1, 2, 3, 4 नीचे क्या लिखी है टाइम, टाइम किस में लिखी है रजे मिनट्स में, किस में दिया हुआ देखिए, 1 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट्स में दिया है ना, तो यहाँ पे हमने टाइम किस में ले लिया मिनट्स में ले लिया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट्स। ओके, ऊपर हमें स्पीड किस में दी हुई है किलोमीटर में दी है, तो हम किलोमीटर भी लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, इस साइड हमने स्पीड लिख ली और इस साइड हमने क्या लिख लिया एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिख लिया टाइम, और वाई एक्सिस आप करती हूँ मैथ्स में, इसमें हमने क्या लिख लिया डिस्टेंस। ओके, रजे डिस्टेंस कितना कवर किया है, अब कैलकुलेट क्या करनी है स्पीड, तो ईजी हो जाएगी, फर्स्टली क्या टाइम कितना है जीरो, जीरो कहाँ पे रजे जेरे ग्राफ पे जीरो, ठीक है, तो दोनों की जीरो एक ही जगह पे आ रही है, तो फर्स्ट स्टॉप हमारा इधर बना। ओके, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो टाइम कितना है रजे 1 मिनट, दिस इज 1 मिनट, इससे मैं ऊपर को लेकर गई जी 1 मिनट होगा। ओके, और स्पीड भी कितनी है रजे, सॉरी डिस्टेंस भी कितना है 1 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस भी कितना है 1 किलोमीटर, वन वन दोनों को सेंटर में जहाँ पे मैच हो रहा था मैच करते हैं ना उस पॉइंट पे। सेकंड हमें क्या है 1 मिनट 2 किलोमीटर, अगेन रजे जो हमारा सेकंड क्या है थर्ड नंबर पे जो दिया हुआ है जो डिस्टेंस है डेट इज 2 किलोमीटर, इधर हमारे पास 2 किलोमीटर आ रहा है ना। ओके रजे, और मिनट्स कितने हो गए 1, 2 मिनट्स हो गए ना, तो हमने क्या है फिर से जहाँ पे क्या है पॉइंट लगा लिया,
थर्ड भी क्या है, टाइम क्या है, 3 मिनट्स हो गए, ओके 3 मिनट्स हो गए टाइम हमारे पास, क्योंकि 2 मिनट्स दे हो गए, 1 आगे हो गया, 3 मिनट्स हो गए टाइम, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, जैसे 3 किलोमीटर हो गया, ओके। सेम नेक्स्ट क्या है, 4 मिनट्स 4 किलोमीटर, अगेन 5 मिनट्स 5 किलोमीटर, ओके। मान लो आगे आपको दिया हुआ 6 7 8, यू कैन इजली ड्रॉ नीचे से टाइम नोट करना है, और जो एक्स एक्सिस है वहाँ से टाइम नोट करना है, वाई एक्सिस से क्या नोट करेंगे आप, तो डिस्टेंस, क्या कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट। जैसे देख लीजिए लाइन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, कहीं भी क्या है इसका कोई अपडाउन नहीं हो रहा, तो बिल्कुल लाइन स्ट्रेट है। अगर लाइन स्ट्रेट होगी देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, मीनिंग उसकी स्पीड में कहीं पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो क्या एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रही है, 2 मिनट्स में 2 किलोमीटर, 3 मिनट्स में 3 किलोमीटर, 4 मिनट्स में 4 किलोमीटर, 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर, 6 मिनट्स में 6 किलोमीटर, ओके। सो इफ द लाइन इज स्ट्रेट देन मीनिंग नो चेंज इन स्पीड, स्पीड इज कॉन्स्टेंट, बट इफ दिस लाइन शोज चेंज लाइक द ग्राफ मे बी लाइक दिस दैट this may be like this, that meaning there is a change in line, ठीक है, there is a change, so the speed is not constant, इस केस में स्पीड क्या होगी हमारी, चेंज होगी, ओके। तो आप इजली क्या ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, ग्राफ को देख कर क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो स्पीड कॉन्स्टेंट है और चेंजिंग है, कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ था, मेरे को लगता नहीं कि किसी को समझ में नहीं आया होगा, आई थिंक आपको क्लियर होगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर मोशन एंड टाइम, इफ स्टिल आने वाने आप आने प्रॉब्लम है ना, यू कैन मैसेज मी और कॉल मी, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्टली टुडे यू हैव टू ट्राई टू फाइंड द आंसर्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ओके, एंड डू दैट क्वेश्चन ऑन योर रफ नोटबुक, थैंक यू।